हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक फन क्लब। दोस्तों मेरा नाम है कौशिक, स्वागत है एक और न्यू वीडियो। फाइनली एंड्रॉइड 14 का अपडेट रियलमी की तरफ से रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और बहुत सारे अपडेट न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे मई 2023 के रियलमी की तरफ से रोल आउट हुए अपडेट के बारे में, साथ ही साथ रियलमी वाई 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ रियलमी की तरफ से स्टार्ट हुए फर्स्ट एंड्रॉइड 14 अपडेट के बारे में भी आज के वीडियो में हम बात करने वाले। मतलब आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इस तरह के अपडेट के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक करके रख सकते हो, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना देर के स्टार्ट करते आज का वीडियो। तो भाई साहब, एंड्रॉइड 14 का अपडेट आ गया रियलमी डिवाइस में, ये मतलब गजब हो गया। कुछ दिन पहले एंड्रॉइड 14 के फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ आने वाला है, और अपडेट देखो आ भी गया। और ये अपडेट हमें देखने को मिला रियलमी के सबसे फ्लैगशिप डिवाइस रियलमी GT2 प्रो के अंदर। और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी फर्स्ट इसी डिवाइस के अंदर आया है। और ये जो अपडेट है अभी बीटा अपडेट है, बीटा टेस्टिंग अपडेट आपको देखने को मिला है। कैसे आपको करना है मैं आपको बता दूँ, ये अपडेट टोटली आप मैनुअली कर सकते हो, ठीक है। टोटली मैनुअली आप कर सकते हो अपनी डिवाइस रियलमी GT2 प्रो के अंदर इस अपडेट को आप कर सकते हो। कैसे करना है यहाँ पे टोटल प्रोसेस रियलमी ने कह दिया है। आपको क्या करना है, आपके डिवाइस में चेकआउट करना है सबसे पहले 3.16 अपडेट है या नहीं। अगर है तो आप यहाँ पे आपको टोटल पैकेज देखने को मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड करिए, उसके बाद मैनुअली अपडेट कर सकते हो। और आपके डिवाइस में जो एंड्रॉइड 14 का अपडेट आएगा, F.01 का अपडेट आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट बीटा वर्जन, ठीक है, जो रियलमी की तरफ से एंड्रॉइड 14 का होगा रियलमी GT2 प्रो के अंदर। अगर मेरा सजेशन मानिए तो मत करिए, क्योंकि ये अनपॉलिश्ड अपडेट है, बहुत सारे इशू आपको देखने को मिलेगा, स्टेबलाइजेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगर आपने कर लिया है और आप इसे रोल बैक करना चाहते हो तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे आ जाइए रियलमी कम्युनिटी पे, आपको रोल बैक पैकेज भी मिल जाएगा यहाँ पे, और इसे आप रोल बैक कर सकते हो, मैनुअली करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस था एंड्रॉइड 14 के रियलमी GT2 प्रो के अंदर। दोस्तों साथ ही साथ इस मंथ हमें रियलमी पैड एक्स के अंदर भी अपडेट देखने को मिल गए आज। और मैं आपको बता दूँ, जो अपडेट है वाईफाई वर्जन और जो 4G वर्जन है, उन लोगों के पास भी ये अपडेट पहुंचेगा। मैं आपको बता दूँ वर्जन के बारे में, तो A.22 वर्जन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अप्रैल मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच और सिस्टम के अंदर आपको स्टेबिलाइजेशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाय द वे, कितने लोगों के पास ये अपडेट पहुंचा है नीचे हमें कमेंट करके बताना, रियलमी पैड एक्स के अंदर। और दोस्तों 11th मई के अपडेट न्यूज़ में आपको और भी कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि रियलमी 8 प्रो के अंदर आपको रियलमी वाई 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का जो स्टेबल अपडेट है वो हमें देखने को मिल गया है। मतलब ये अपडेट अब पब्लिकली रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। जो अपडेट आपको देखने को मिलता है F.03 वर्जन, पहले तो सिर्फ बीटा यूजर के लिए था, बट अब जो है पब्लिकली अपडेट जो है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है सभी लोगों के लिए। मतलब आपके पास ये अपडेट आया है नहीं, रियलमी 8 प्रो के अंदर F.03 का रियलमी वाई 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और इसके अंदर मुझे लगता है कि सभी फीचर्स आपको देखने को मिलेगा रियलमी 8 प्रो के अंदर। भाई मई 2023 में रियलमी 10 प्रो प्लस 5G के अंदर भी अपडेट हमें देखने को मिल गया है। ये भी रियलमी वाई 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट आपको देखने को मिलता है। A.47 वर्जन अपडेट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे और सिक्योरिटी के अंदर आपको 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, फोटोज के अंदर गैलरी में जो ब्लैक स्क्रीन इशू आ रहा था वो फिक्स हो जाएगा। इसके साथ रियलमी UI में न्यू फीचर्स ऐड किया गया है, इसके अंदर आपको जो एड्स द फंक्शन ऑफ टर्न ऑन ऑफ फ्लैश लाइट विद वॉल्यूम बटन्स, जो आपको गेस्चर मोशन के अंदर देखने को मिल जाएगा, और सिस्टम में आपको स्टेबिलाइजेशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाय द वे, कितने लोगों के पास ये अपडेट आया है नीचे हमें कमेंट करके बताना। साथ साथ इस अपडेट के साथ आपका जो रियलमी लिंक वाला एप्लीकेशन है वो कभी कभी सपोर्ट देना बंद हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान पर रखना। और एक और बात बता दूँ, इस अपडेट के बाद रियलमी 10 प्रो प्लस 5G के अंदर जो है बैटरी सर्विस बहुत अच्छा हो गया, मतलब अब बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे बैटरी ड्रेन का इशू जो था वो फिक्स हो गया है। और रियलमी 9i 4G के अंदर भी इस मंथ जो है रियलमी वाई 4.0 पे एंड्रॉइड 13 का जो अपडेट है वो रोल आउट कर दिया गया है, ऑफिशियल वर्जन स्टेबल अपडेट। और मैं आपको बता दूँ, F.04 का वर्जन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सभी फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बीटा यूज़र हो तो आपको अपडेट देखने को मिलेगा अभी, क्योंकि बीटा यूज़र के लिए अभी अवेलेबल किया गया है, सभी लोगों के लिए अभी तक अवेलेबल नहीं किया गया है। अगर आपके पास रियलमी वाई 3.0 पे एंड्रॉइड 12 का अपडेट है तब भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास 3.07, 3.08 या फिर 3.09 अपडेट है तो आप इसे ईजिली कर सकते हो, बट अभी थोड़ा सा वक्त है, आपको मिलने में थोड़ा सा लेट होगा, बट मिल जाएगा जरूर। और मैं आपको बता दूँ, सभी फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा रियलमी वाई 4.0 पे एंड्रॉइड 13। दोस्तों इस मंथ हमें मई 2023 में रियलमी 10 प्रो 5G के अंदर जो है अपडेट हमें देखने को मिल गया है। वर्जन जो हमें देखने को मिलता है A.37 वर्जन, और इसके अंदर आपको अप्रैल 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, और सिस्टम के अंदर आपको स्टेबिलाइजेशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, इस अपडेट के साथ एक बग भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एक फ्लैशिंग इशू हमें देखने को मिला है रियलमी 10 प्रो 5G के अंदर। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है नीचे कमेंट करके बताना, और साथ ही साथ कितने लोगों को ये जो A.37 वर्जन अपडेट देखने को मिला है नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो। और फाइनली रियलमी C33 के अंदर भी रियलमी वाई 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का फर्स्ट ट्रायल अपडेट जो है उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, और आज एंड भी हो गया, कल तक एप्लीकेशन का डेट था, मैंने आपको बता दिया था कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था।
और साथ ही साथ ये जो अपडेट है अब आपको देखने को मिलेगा 15 मई से लेकर 20 मई 2023 के बीच में। बाय द वे कितने लोगों ने अप्लाई करा है इसके लिए नीचे हमें कमेंट करके बताइए। सो फ्रेंड्स, यही थे इस मंथ के अभी तक रोल आउट हुए अपडेट और एंड्रॉयड 14 के अपडेट के बारे में हमने जो बात करी, जो रिलीज हुआ है उसके मैनुअली के बारे में बात करी कि कैसे आपको करना है, सब कुछ मैंने बात कर दिया आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना, मैं मिलता हूं साथ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।